मुरली गांव के छात्र नीलेश ने सैनिक स्कूल की परीक्षा में बाजी मारी। रंगरा प्रखंड के मुरली निवासी प्रदीप कुमार सिंह के पुत्र नीलेश कुमार ने सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में बाजी मार ली है। नीलेश का चयन सैनिक स्कूल नालंदा में हुआ है। छात्र नीलेश नवगछिया के आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय नयाटोला का छात्र है। सैनिक स्कूल की परीक्षा में सफल होने पर विद्यालय के संचालक पंकज कुमार और विद्यालय के प्राचार्य दीपक कुमार ने शुभकामना देते हुए नीलेश के उज्जवल भविष्य की कामना की है। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं गैस्ट्रिक ब्लड प्रेशर गठिया पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस। मात्र 72 घंटे में असर शुरू। कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165 9431884830। रंगरा थाने के चौकीदार को मिल रही है गोली मार देने की धमकी। नंबर बदल बदल कर लगातार धमकी दे रहे हैं अपराधी। रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी रंगरा थाने के चौकीदार शत्रुघ्न हरिजन को अलग अलग नंबरों से गोली मारकर हत्या कर देने की धमकी मिल रही है। आजीज होकर चौकीदार ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है। शत्रुघ्न ने बताया कि बुधवार को सुबह से ही उसे फोन पर भद्दी भद्दी गाली घर पर चढ़कर गोली मार देने की धमकी मिल रही है। फोन करने वाला कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता है और लगातार अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। मामले की मौखिक सूचना रंगरा के थानाध्यक्ष को दे दी गई है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सधवा गांव से 2 वारंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने सधवा गांव में छापेमारी कर 2 फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार वारंटी सुधीर कुमार मंडल और टुनटुन कुमार मंडल है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रंगरा PHC में 100 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। रंगरा PHC में बुधवार को 100 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। जानकारी देते हुए PHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि PHC में इन दिनों 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आधार कार्ड लेकर आने की अपील की गई है। दूसरी तरफ वैसे लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लिया है, वैसे लोग फर्स्ट डोज लेने के 28 से 45 दिन बाद दूसरा डोज अवश्य ले लें, नहीं तो उनके वैक्सीनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मास्क नहीं पहने कुल 16 लोगों से पुलिस ने वसूल किया 800 रुपये जुर्माना। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मास्क जांच अभियान चलाकर मास्क नहीं पहने कुल 16 लोगों से 800 रुपये जुर्माना वसूल किया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि थाना क्षेत्र के विभिन्न लोगों को मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने का निर्देश दिया गया है। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।